साइंटिस्ट में ऑयस्टेड ऑब्जर्व, एक ऑयस्टेड साइंटिस्ट थे ओके, जिन्होंने ऑब्जर्व किया था दैट एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए वायर डिफ्लेक्टेड नियर बाय कंपास नीडल, यानी कि इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि इलेक्ट्रिक करंट जो थ्रो करती है वायर से ओके, वो डिफ्लेक्टेड करती है ए नीड को बाय कंपास नीडल, यानी कि आपको अगर किसी बोले कि आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बना रखा है ओके, अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट बना रखा है और ये कैसा सर्किट है, ऑन सर्किट है, यानी कि इसमें की कैसी है, चालू है, ऑन है ओके, यानी इसमें करंट फ्लो हो रही है। अब इसमें हम देखते हैं कि आपके अगर किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कैसा हो जाएगा, उसमें बात होगी, वो निरल घूमेगी। इट एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट, और ये किसके बीच का रिलेशन होता है, बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच का रिलेशनशिप होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जब कोई करंट फ्लो हो रही है, आप अगर इस जगह आपने क्या रख रखा है, किसी चुंबक की है पदार्थ रख रखा है, किसी चुंबक को रख रखा है ओके, किसी मैग्नेट को आपने रख रखा है, और मैग्नेट के दो सिरे होते हैं, एक अपर सिरा एंड एक लोअर सिरा, तो ऊपर वाला जो होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, यानी कि हम देखते हैं फोर डायरेक्शन होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। इसी टाइप से जो आपकी मैग्नेट होती है उस मैग्नेट में टू टाइप के होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल आपके होता है ओके, तो यानी कि ये कौन सा पोल हुआ मैग्नेट का, नॉर्थ पोल, और कौन सा पोल हुआ साउथ पोल हुआ ओके, यानी कि इसमें क्या होता है कि निडल जो होती है यानी कंपास जो होती है, कंपास की निडल वो क्या करती है, मूव करती है ओके। ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट कैन बी एक्सप्लेनेड ओके, अब इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं, देखते हैं कि आपने सबसे पहले क्या किया, एक सर्किट लिया, सर्किट में आपने करंट फ्लो कराई, करंट फ्लो कराई तो आपने देखा कि नॉर्थ और साउथ पोल का जो आपके कंपास का जो निडल थी वो किधर की तरफ फ्लो कर रही है, इधर की तरफ, यानी कि इधर की तरफ आपकी जो कंपास की निडल है वो मूव कर रही है ओके। इसके अलावा ये तो वो आपके फर्स्ट सर्किट, अब सेकंड सर्किट से समझते हैं, सेकंड सर्किट आपका क्या कह रहा है, सेकंड सर्किट आपसे कह रहा है कि यदि आप क्या करो सर्किट को क्लोज कर दो, यानी कि आप इसमें करंट का जो फ्लो उसको बंद कर दो, तो आपकी जो आपके जो कंपास की निडल होगी वो किधर की ओर मूव करेगी, नीचे की ओर मूव करेगी, यानी कि साउथ से नॉर्थ की ओर मूव करेगी, यानी ये कर रही है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर मूव कर रही है ओके। यानी कि सेकंड कंडीशन में क्या देखा हमने कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को बंद कर देते हैं यानी स्विच को ऑफ कर देते हैं तो आपके जो कंपास की निडल होती है वो साउथ से नॉर्थ की ओर मूवमेंट करेगी ओके। इसके अलावा इसमें करंट फ्लो कर क्या कर रहे हैं, हम स्विच ऑफ कर रहे हैं ओके। नेक्स्ट वाली कंडीशन में हम देखते हैं कंडीशन नंबर थर्ड में कि आपके जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ओके, अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में आप करंट का फ्लो कैसे करो, अपोजिट साइड से करो, यानी कि आप हमेशा क्या करते हो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करते हो, अब इस कंडीशन में आप क्या करो अपोजिट साइड से करंट का फ्लो करो यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव ओके। जब नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करोगे देन आप क्या देखोगे, आप देखोगे आपकी जो कंपास की निडल होती है यानी कंपास के अंदर जो निडल होती है वो किधर से किधर मूव करेगी, साउथ से नॉर्थ की ओर अपर डायरेक्शन में मूव करेगी ओके। यानी कि आपके पास में अलग अलग कंडीशन थी ओके, फर्स्ट कंडीशन में आपने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट का जब फ्लो होता है तो आपकी जो कंपास की निडल होती है वो किधर मूव करती है, किधर की तरह ओके। सेकंड कंडीशन में आप देखते हो कि आपने अगर सर्किट को बंद कर दिया यानी कि आपने स्विच को ऑफ कर दिया तो आपकी जो इलेक्ट्रिक आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है किधर से किधर आएगा, साउथ से नॉर्थ की ओर नीचे के डायरेक्शन में आएगा ओके। इसके अलावा अगली डायरेक्शन अगली कंडीशन में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अगर अपोजिट साइड कर दिया जाए यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल साइड हमने कर दिया तो आप क्या देखोगे कंपास की जो निडल है यानी साउथ से नॉर्थ की ओर है वो किधर जाएगी, ऊपर की ओर जाती है ओके। तो ये आपकी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाइप से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हुआ ओके, कि इनकी कंपास की निडल किधर से किधर मूव करती है ओके। इस वाली जो थर्ड वाली कंडीशन है इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स दैट रिफ्लेक्टेड आल्सो रिजर्व ओके, इसको वापस कैसे करते हैं रिवर्स कर सकते हैं ओके। सो डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैंने शॉर्ट में लिखा है MF ओके। सो डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निडल व्हेन प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग कंडक्टर सो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब भी आपकी इलेक्ट्रिक करंट क्या कर
किस साइड जा रहा है, इसके अलावा आपके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ बन रहा है, ओके। यानी कि हम पढ़ेंगे अगला जो आपके आता है कि जो फॉर्मूला होता है आपके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, वो आपके टू टाइप ऑफ फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट आपके होता है राइट हैंड स्क्रू रूल एंड सेकेंड होता है राइट हैंड रूल, ओके। तो फर्स्ट वाले रूल की ओर बात करते हैं जो कि है आपका राइट हैंड कॉक स्क्रू रूल। यानी कि सपोज कीजिए ये आपके क्या है, कोई स्क्रू है, ओके। अब आप क्या कर रहे हो, इसे किसी के अंदर आप इसको फिट कर रहे हो, ओके। यानी इस स्क्रू को आप किसी के अंदर क्या कर रहे हो, फिट कर रहे हो, किसी के ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्या कर रहे हो, इसको फिट कर रहे हो। तो आप कैसे करोगे इसको, आप उसको घुमा घुमा कर करोगे, यानी कि इसको राउंडेड 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 करोगे, तो धीरे धीरे क्या करेगा, ये नीचे तक ज्यादा चला जाएगा, ओके। अब आप देखते हो कि ये जो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि ये जो स्क्रू है ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको नीचे की तरफ तो हम किसको भेजते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को। और जो आपके राउंड राउंड गोल गोल ये घूम रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या बनता है, आपके मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ओके। एक बार और समझते हैं, राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल। अब इसमें क्या किया हमने, किसी कॉर्क के अंदर किसी स्क्रू को हमने क्या करना है, फिट करना है, ओके। अब जो स्क्रू है उसको हम क्या करेंगे, राउंड राउंड घुमाएंगे, तो राउंड राउंड घुमाएंगे तो उस जगह तो क्या बनेगा, आपके मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ओके। एंड आपके जो स्क्रू अंदर की ओर धीरे धीरे जो जाएगा उसे हम कैसे शो करेंगे, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बताते हैं। यानी आपके जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसे हम कैसे शो करते हैं, कैपिटल आई से, ओके। तो यानी कि जो लंबवत होती है, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, उसको हम किससे लगाएंगे, आपके इलेक्ट्रिक करंट से। एंड आपकी जो राउंडेड राउंडेड लाइन होती है उसको हम किससे शो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से। यानी कि उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। ये तो आपके क्या हुआ, राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल निकालने का फॉर्मूला हुआ। इसके अलावा अगला रूल की बात करते हैं, तो अगला रूल आता है आपके कि राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल क्या बोलता है, राइट हैंड रूल बोलता है भाई कि सपोज कीजिए ये आपके कोई वायर है, ओके। इस वायर में आपके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, ओके। तो आपके इलेक्ट्रिक करंट हो रही है फ्लो, सपोज कीजिए ये कोई वायर है, इसको मैंने पकड़ा सीधा, ओके। और कुछ है नहीं, मैं जस्ट ऐसा समझा देता हूँ आपको, ये आपकी कोई वायर है, आपने इसको सीधे हाथ से पकड़ा हुआ है, ओके। और आप इस तरीके से पकड़ोगे इसे भाई, आप किसी भी चीज को इस तरीके से पकड़ोगे, ओके। अब इस तरीके से आपने पकड़ा तो आपके ये जो सीधा हुआ, यानी कि जो आपके थंब की जो डायरेक्शन हुई, ये तो किसको शो करेगी, आपके इलेक्ट्रिक करंट को शो करेगी, यानी कैपिटल आई को शो करेगी। एंड आपकी जो ये सारी फिंगर्स हुई जो है राउंडेड क्या हो रही है, राउंडेड राउंडेड है, इसको हम किससे शो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, क्या बनता है, आपके मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ओके। यानी कि जो राइट हैंड रूल है वो क्या कह रहा है भाई, आपने किसी भी वायर किसी भी सब्जेक्ट को आपने पकड़ा हुआ है, यानी कि राइट हैंड से आपने पकड़ा हुआ है, तो आपके जो थंब की डायरेक्शन है वो तो किससे शो करेगी, कैपिटल आई से। यानी कि उसमें तो क्या फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट। एंड आपके जो फिंगर्स हुई ये इसमें आपके क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ओके। तो ये सारी जो घटनाएं हैं वो किसकी वजह से होती है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, ओके। एक बार वन सेकंड इसको देखते हैं कि 1928 में ऑयस्टेड ऑब्जर्व दैट एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रो ए वायर रिफ्लेक्टेड इन नियर बाय कंपास मिरर, ओके। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वायर में, उससे क्या प्रोड्यूस होती है, आपकी जो कंपास नीडल होती है वो क्या करती है, मूव करती है, रिफ्लेक्टेड करती है। इट एक्सप्रेस रिलेशन, और ये किसके बीच में रिलेशन निकालता है, बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, ओके। नेक्स्ट आता है आपके ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट कैन बी एक्सप्लेनेड, इसको हम समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे, कि आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्किट बनाया, सर्किट के अंदर आपने इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया, तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हो तो इसकी जो कंपास की जो नीडल है किधर मूव कर रही है, इधर की साइड मूव कर रही है, ओके। ये तो आपकी क्या हुई, फर्स्ट कंडीशन हुई। सेकंड में आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को बंद कर दिया, यानी कि आपने स्विच को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। अब जब आप स्विच को ऑफ कर दोगे तो इलेक्ट्रिक करंट पे नहीं बहेगी, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं जाएगा, ओके। इस वजह से आपके जो कंपास की नीडल है उसमें क्या होगा कि भाई वो इस तरह की रह जाएगी, यानी कि जो साउथ से नॉर्थ पोल तो वो नीचे की तरफ ही आ जाएगा, ओके वापस। इसके अलावा आप क्या करते हो, थर्ड वाली कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है इसको अपोजिट डायरेक्शन में चेंज कर देते हो, यानी
नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, तो आप क्या देखते हो कि आपकी जो चुंबक है यानी कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंपास लगाया हुआ है, तो इस कंपास की जो निडल है वो किधर की ओर मूव करेगी, अपर डायरेक्शन की ओर मूव कर रही है, ओके, साउथ टू नॉर्थ अपर डायरेक्शन में मूव कर रही है, ओके, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स एंड रिफ्लेक्टेड आल्सो रिजर्व, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपकी बात आती है, सो डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निडल व्हेन प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इस तरीके से जो करंट होती है वो क्या कैरिंग करती है, आपके कंडक्टर्स को कैरिंग करती है, एंड सो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, और इस तरीके से जो आपके इलेक्ट्रिक करंट होता है किसी भी सर्किट पर वो किसको बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है, यानी चुंबकीय रेखाओं को बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र को बनाता है, ओके। इसके अलावा हम मैग्नेटिक फील्ड को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यानी डायरेक्शन को किस तरीके से पता लगाते हैं, तो इसको पता लगाने के लिए हमारे पास में दो रूल है। फर्स्ट रूल है राइट हैंड टॉर्क स्क्रू रूल, ओके, सेकंड आता है राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड टॉर्क स्क्रू रूल क्या कहता है कि भाई किसी कॉर्क के अंदर आप किसी स्क्रू को डालते हो तो स्क्रू जैसे अंदर जाता है तो वो किसको शो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को, और जो राउंड राउंड आप घुमाते हो इसको किससे शो करोगे, मैग्नेटिक फील्ड से, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आप देखोगे राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल क्या होता है, यदि आप किसी वायर को पकड़ते हो इस तरीके से तो आपकी जो थंब की डायरेक्शन होगी वो किसको शो करेगी, इलेक्ट्रिक करंट यानी कैपिटल आई को, और आपकी जो राउंडेड राउंडेड फिंगर्स होगी किसको शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये आपके किसके बारे में हुआ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ओके स्टूडेंट। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि आपकी जो मैग्नेटिक